हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपका बहुत बहुत स्वागत अपने चैनल के माध्यम से करते हैं और सदा ये कामना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और मस्त रहें। फ्रेंड्स, आज हम आपको जो रेमेडी बताने जा रहे हैं बहुत ही इफेक्टिव और खास है फ्रेंड्स, इसलिए इस रेमेडी को अंत तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट, मेरा एक निवेदन, यदि आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में बने बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए ताकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊं तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। फ्रेंड्स, इस रेमेडी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अगर हेयर रिमूवल क्रीम का प्रयोग करते हैं तो आपके रिटर्न से फिर दोबारा अनचाहे बाल नहीं आए। फ्रेंड्स, इस रेमेडी को अंत तक देखिए तभी आपको लाभ मिलेगा। फ्रेंड्स, आप हमेशा रिमूवल क्रीम का प्रयोग करते हैं अनचाहे बालों को हटाने के लिए, लेकिन फ्रेंड्स आप तो जानते ही हैं कि जहां पर, जिस स्थान पर, जिस अंग पर आप हेयर रिमूवल क्रीम का प्रयोग करते हैं उस स्थान पर एक घाव सी बनती है। जहां से हेयर रिमूव होकर के निकलते हैं वहां एक अजीब सी घाव बनती है। फ्रेंड्स, कभी कभी तो ये देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पे छोटे छोटे दाने उभर आते हैं और आपका अंग लाल पड़ जाता है, आपको दिक्कत महसूस होती है, जलन महसूस होती है। लेकिन फ्रेंड्स, आज आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसका प्रयोग करने से आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और जो हेयर आपके रिमूव हुए हैं वे दोबारा से उगेंगे नहीं, जल्दी से उनको निकलने में आपको उससे छुटकारा मिलेगा। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि इस ट्रिक में आपको क्या चीज इस्तेमाल करनी होगी। फ्रेंड्स, अगर आप बीट क्रीम का प्रयोग करते हैं या किसी भी हेयर रिमूव क्रीम का आप प्रयोग करते हैं तो जिस अंग पर इसका आप प्रयोग कर रहे हैं उस अंग पर लगा करके इसको ज्यादा नहीं, मात्र 3 मिनट के लिए ही केवल छोड़िए। 3 मिनट के बाद इसे नॉर्मल वाटर से धो करके साफ कर लीजिए और धोने के बाद जब उस अंग को, उस जगह को आप धो ले रहे हैं उसके बाद काटन से लेकर के उस स्थान को सुखा लीजिए और सुखाने के आधे घंटे बाद आपको इस ट्रिक का प्रयोग करना होगा। इस ट्रिक में आपको जरूरत होगी एक क्लीन बाउल की और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वह है मिल्क यानी दूध। फ्रेंड्स, हम तो जो सामने दिखने वाले अंग हैं उनकी सुरक्षा तो कर लेते हैं लेकिन जो हमारे अपोजिट दिशा में यानी हमारे जो प्राइवेट अंग हैं उनकी देखरेख हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, लेकिन आप घबराइए नहीं, आज जो ट्रिक बता रहा हूँ उससे आप हर समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। आप यहाँ पर अपने अंग के हिसाब से लगभग 2 चम्मच आप मिल्क लेंगे और इसके अतिरिक्त एक चीज और आपको लेना है जो बहुत ही जरूरी है, वह है टर्मरिक यानी हल्दी पाउडर। फ्रेंड्स, इसमें ऐसे ऐसे औषधि गुण हैं जो आपकी त्वचा से जो भी घाव हैं उनको रिपेयर करने के लिए बहुत ही कामयाबी दिलाती है। यह आपके जो हेयर हैं रिमूव हुए हैं उनको दोबारा से आने से रोकती है। इसकी जरूरत आपको ज़्यादा नहीं, मात्र 1 चुटकी के आसपास होगी। इसमें 1 चुटकी आप हल्दी का प्रयोग करेंगे और एक चीज और आपको लेना है, वह है चीनी पाउडर। ये देखिए, हमने चीनी पाउडर लिया हुआ है। अगर चीनी पाउडर आपके पास नहीं है तो आप चीनी को पीस करके उसका पाउडर बना सकते हैं। इस तरह से 1/2 चम्मच आप चीनी पाउडर का प्रयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त एक चीज और आपको लेना है, वह है एलोवेरा जेल। फ्रेंड्स, एलोवेरा जेल जो होता है आपकी स्किन से डेड सेल्स को निकालने के लिए और धूल मिट्टी तथा जो प्रदूषण की समस्या है उसको हटाने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इसकी मात्रा आपको 1/2 चम्मच इसमें लेनी होगी। अब इन सभी चीज़ों को आप आपस में अच्छे तरह से इस प्रकार से इसे आपस में मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, जिस स्थान पर आपने हेयर रिमूवल क्रीम का प्रयोग किया है उस स्थान पर काटन के माध्यम से आप इसमें काटन डीप करके, काटन के माध्यम से लगा करके कम से कम 10 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे। 10 मिनट के बाद इसे नॉर्मल वाटर से धो करके साफ कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इसका प्रयोग ढंग से करते हैं यानी सप्ताह में 2 बार करते हैं तो ये आपके जो हेयर रिमूव हुए हैं उनको दोबारा से आने से ये रोकता है और आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है। आपकी स्किन में चमक आती है, मुलायम रहती है।
और जो भी समस्याएं हैं आपकी स्किन से संबंधित, उनसे छुटकारा भी मिलता है। फ्रेंड्स, आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इन कामनाओं के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए और मेरे इस ट्रिक से आपको लाभ मिले तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई शुभकामना के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।